नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास मेनली इलेवेंथ में है और कॉम्पिटिशन्स में है, और इसको हमें सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। अभी तक जैसे तुमने क्या पढ़ रखा है, तुमने अभी तक पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड रियल नंबर्स, राइट। तुमने क्लास टेन तक रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। यू हैव डन इट ऑल, वेदर यू टॉक ऑफ नेचुरल नंबर यू हैव डन दैट, वेदर यू टॉक ऑफ होल नंबर्स यू हैव डन दैट। होल नंबर्स के ऊपर तुमने पढ़ा था इंटीजर्स, ध्यान आ रहा है बच्चों? यस सर। इंटीजर्स के ऊपर आपने पढ़ा था रैशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर के बाद आपने पढ़ा था इरैशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, ठीक है। उसके बाद तुमने पढ़ रखा था जो इन सब का सुपरसेट है, व्हाट इज दैट? रियल नंबर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आपने यहाँ तक ही क्लास टेंथ में पढ़ा है, राइट। अगर मैं थोड़ा और तुम्हें ब्रीफ करूँ तो ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट यू हैव डन इन क्लास 10, ठीक है। होल नंबर्स में क्या हो जाता है कि हमारे पास जीरो भी आ जाता है, जबकि नेचुरल नंबर में हमारे पास जीरो नहीं होता, आगे के सारे नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में क्या हो जाता है? इंटीजर्स को हम लोग जनरली जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में क्या हो जाता है? इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, जैसे कि -3, -2, -100, राइट, और 0, 1, 2, 3 भी रहता है, राइट, सारी वैल्यूज होती हैं। तो सर्टेनली जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सबके सब होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, ठीक है। इलेवेंथ क्लास में एक टॉपिक है सेट थ्योरी, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, उसमें आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे इन चीज़ों को आप काफ़ी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि दिस इज व्हाट यू हैव डन इन क्लास टिल क्लास 10। 10 तक आप इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हाँ, अब आप क्योंकि बड़े हो गए हैं, आप 11, 12 में आ गए हैं, तो सर्टेनली अब आप यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे, ठीक है, विल कॉल इट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स से पहले एक चीज़ और आती है, जैसे ये रियल नंबर्स है ना, वैसे ही हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, वी से इट इमेजिनरी नंबर्स। और जब हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन करते हैं, जैसे हमने रैशनल और इरैशनल दोनों को जब कंबाइन किया तो क्या बना? रियल नंबर। वैसे ही जब हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन करते हैं, वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेट है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ तुम्हें ये इंट्रोड्यूस कराया कि एग्जैक्टली ये तुम्हारे जो अलग अलग नंबर सिस्टम्स हैं उसमें क्या तुमने पढ़ रखा है और तुम क्या पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। अब आओ इसको देखते हैं, लेट अस स्टडी। मैंने ये बात भी आपको बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वेटेज जो है जेई में, अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों को मिक्स कर लो तो जेई में 6% क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ से दिखेंगे, एनडीए में 10 क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे। हाँ, ट्वेल्थ में ये इसका कोई पार्ट नहीं है, तो दैट इज व्हाट आई डिस्कस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड एंड लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के बारे में ये जो मैंने तुम्हें एक डायग्राम बना के दिया, अगर तुम चाहो तो तुम इसे अपने पास रख सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड समरी ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स से बड़ा कौन सा सेट बताया मैंने तुम्हें? इंटीजर्स, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। और इंटीजर्स से बड़ा मैंने क्या बताया? रैशनल नंबर्स, राइट, इसको क्यू से डिनोट कर दिया। सब स्टैंडर्ड डिनोशंस हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड डिनोशंस हैं, एन डब्ल्यू जेड क्यू, दिस इज व्हाट रैशनल नंबर। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, यूज योर माइक, यूज द चैट बॉक्स, पूछो अभी के अभी, हाथ के हाथ पूछ सकते हो, ठीक है, डोंट हेजिटेट, ओके। कहीं भी कोई भी डाउट हो पूछिए आप। जो चीज रैशनल नहीं होती है उसको इरैशनल बोलते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो आपने 10th क्लास तक पढ़ रखी हैं, ठीक है। और जब आप रैशनल और इरैशनल दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये जो बड़ा वाला सेट बनता है ना, इसी को रियल नंबर्स बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो तुम पढ़ने जा रहे हो ये है तुम्हारा, जो चीज रियल नहीं है तो वो क्या है? इमेजिनरी, ठीक है। और जब हम लोग रियल और इमेजिनरी दोनों को मिक्स करते हैं, देन वी गेट अ लार्जर सेट, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। आई वॉन्ट कि आप ये अपने नोट्स में प्रॉपरली लिख लें। देखो बच्चों, मैं जब भी तुम्हें जो भी चीज बता रहा हूँ, राइट, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है वेरी गुड, लिखो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तब भी लिखो और उसको पूछो, जो चीज समझ में नहीं उसको पूछो। ये तो फैक्ट्स हैं, दीज आर फैक्ट्स,
अभी मैंने बताना समझाना समझाने वाली कोई चीज तुम्हें दी नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर सिस्टम के तुम्हारे पास एक पूरा एक छोटा सा ग्राफ आ गया जिससे तुम समझ सकोगे, तुम्हें याद रखने में काम आएगा कि कौन सा नंबर सिस्टम कैसे किससे रिलेटेड है। जैसे नेचुरल नंबर क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। क्या होल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। क्या इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। क्या इरेशनल नंबर, ये जो इरेशनल नंबर है, क्या ये इमेजिनरी नंबर है? नहीं। तो पता लग रहा है दोनों अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डायग्राम से तुम्हें पता लग जाएगा कौन सी चीज कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर्स को। ये क्यू किसको डिनोट करता है? रैशनल नंबर्स को। ये सब तुमने पढ़ रखे हैं बच्चों, अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो पूछ लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। रैशनल नंबर्स, और ये क्यू के ऊपर बार का मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर्स, दीज आर इरेशनल नंबर्स, ओके। सो आई वॉन्ट कि आप ये जरूर से अपने नोट्स में इसको लिख लें, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें क्लास के बाद, अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, ठीक है। सी चिल्ड्रेन, अगर तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें हर चीज समझ में आएगी, राइट। माइट बी अगर आपका जैसे आई कैन सी देयर इज वन न्यू बॉय शिखर, राइट। सो शिखर वेलकम टू माय क्लास, राइट। आप जब कभी भी यहाँ पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मेरा एक सिस्टम है, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो राइट फ्रॉम बोर्ड लेवल टू एनी लेवल, राइट, तुम जिस लेवल पे भी ट्वेल्थ के बाद चीजों को सोच सकते हो वो सब कुछ अचीवेबल है, ठीक है। देयर आर टू मोर बॉयज अपार्ट फ्रॉम यू, देयर वर थ्री आई थिंक, देयर वाज अ गाय फ्रॉम कोलकाता घ्यास, आई डोंट नो मे बी सम नेटवर्क इशू व्हाटएवर, ठीक है। तो अभी वो ज्वाइन किया और फिर अभी से एकदम से निकल गया, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। चलो फिलहाल ध्यान से देखना, तो ये एक छोटा सा ग्राफ था, आगे बढ़ते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो अब जो बातें शुरू हो रही हैं वो 11th का स्टार्टिंग है। ये मैंने तुम्हें तुम्हें रिलेट किया कि तुम किस किन चीजों को पढ़ रहे थे और अब क्या पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखो तुमने ऐसे इक्वेशंस बहुत पढ़ रखे हैं छोटे क्लासेस में, क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और शायद तुमने ये भी पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, राइट। दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, राइट। और इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला बताया गया, क्या बताया गया? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई वॉट ट्वाइस ऑफ ए। आई एम श्योर ये आपको आता है, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको आता है। इसमें ये वाली जो चीज है ना, ये भी तुम्हें ध्यान होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट। मैं सिर्फ तुम्हें अभी याद दिला रहा हूँ तुमने क्या पढ़ रखा है, और फिर यहीं से हम देखेंगे हमें अब क्या नया पढ़ना है, ठीक है। दिस डिस्क्रिमिनेंट लेट अस कॉल इट कैपिटल डी, जनरली इसको कैपिटल डी बोलते हैं, यानी कैपिटल डी क्या हो गया मेरे पास? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर तुम्हें ध्यान है बच्चों तो इसमें तुम तीन केसेस पढ़ते थे, राइट। मैं सिर्फ अभी मैं आगे बढ़ूंगा, बट पहले मैं जो पुराना जो देखो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज अगर तुम अपने पिछले नॉलेज से लिंक करके पढ़ोगे, एग्जांपल के साथ पढ़ोगे, तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, और अगर रैंडमली सीधी नई चीजें पढ़ने लग जाओ तो हो सकता है वो बाउंसर हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं, इसमें तुमने क्या पढ़ रखा है? पहला केस तुमने ये पढ़ा था कि अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या बोलते हैं? रूट्स जो हैं, यानी कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है उसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट। मतलब रूट्स हमारे पास जो हैं वो रियल वैल्यूज हैं और वो क्या है? अनइक्वल है, ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। सेकेंड केस जो आपने पढ़ रखा है ये सब वो है जो तुम्हारे स्कोप में था, राइट। सेकेंड केस तुमने पढ़ा था कि व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग बोलते हैं दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, द रूट्स आर रियल एज वेल एज इक्वल, दैट इज व्हाट यू हैव डन। एंड द थर्ड केस दैट यू स्टडीड, ये तुमने आधा अधूरा पढ़ा था, क्या? दैट व्हेनेवर द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो द रूट्स आर इमेजिनरी, और हम लोग बोलते थे कि भाई ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कभी भी अगर ये अगर आ गया तो हम लोग बोलते थे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अब ये तुम्हारे सिलेबस में है, 11th 12th में कॉम्पिटिशन्स में, दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके। ये वाली चीज अब सर्टेनली आपके सिलेबस में है, ओके। तो देखिए अब जब हम इस इमेजिनरी रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग इमेजिनरी रूट की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे आप देखें इमेजिनरी रूट का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई कि अगर ये अंडर रूट वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी तो इमेजिनरी रूट आएगा, ठीक है। तो जब इन कंडीशंस पे हमारे मैथमेटिशियंस ने ये फील किया कि भाई जब कभी रूट अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो हम लोग उसको डील ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल नीड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास टेंथ तक में कैसा आता था, कुछ ऐसा आता था एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या बोलते थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड देन वी यूज टू से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन विच इज नथिंग बट प्लस माइनस वन, दैट इज वॉट वी यूज टू से, ठीक है। ये वाली बात हम लोग पहले किया करते थे, मुझे उम्मीद है आप इस बात को ध्यान में जानते होंगे, ये सब बातें आपने पढ़ रखी हैं। बट अगर कभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, राइट। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि रियल नंबर्स में हम लोगों ने टेंथ तक क्या पढ़ा है, रियल नंबर्स पढ़े हैं। रियल नंबर्स में इस तरह के इक्वेशंस का कोई स्कोप नहीं है, ऐसे इक्वेशंस का रियल नंबर्स में कोई स्कोप नहीं है। बट हाँ इमेजिनरी नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर में वी हैव स्कोप फॉर सच इक्वेशंस एंड दैट इज व्हाई द मैथमेटिशियंस गॉट द नीड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा और तुम्हें बिल्कुल बेसिक के साथ बताना चाहता हूँ, देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स, और ये वाली चीज कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अब चाहे मैं प्लस वन लू, मैंने वन लिया और वन लिया, ठीक है, तो वन इंटू वन वन आया, और चाहे मैं माइनस वन लू, एक्स की वैल्यू मैंने माइनस वन ली, माइनस वन इंटू माइनस वन कितना आ गया भाई, ये भी तो प्लस वन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट इज वाई एक्स इज इक्वल टू वॉट प्लस माइनस वन, ठीक है, दैट इज वॉट वी हैव स्टडीड अर्लियर। अब जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हुआ तो हमने तो ये पढ़ रखा है कभी भी अगर मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही होगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, वॉट इज न्यू हेयर, वॉट इज डिफरेंट हेयर, तो यहाँ तुम्हें ये बात समझनी है, ठीक है, ये रियल नंबर्स के लिए है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। अब यहाँ पे जाकर के तुम एक चीज पढ़ते हो क्या, कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस को हम अपने रियल नंबर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं स्टडी कर पाते थे तो मैथमेटिशियंस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम उन्होंने दिया इमेजिनरी नंबर, और उसकी एक यूनिट बनाई। जैसे रियल नंबर की यूनिट होती है राइट, नेचुरल नंबर की यूनिट होती है, नेचुरल नंबर की यूनिट कितनी है तुम्हारे पास, इट इज वन, ठीक है। वैसे तुम्हारे पास जब तुम रियल इमेजिनरी नंबर की बात करते हो तो दिस इज द यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर, राइट। और ये जो अंडर रूट ऑफ माइनस वन है इसका नाम उन्होंने दिया आयोटा, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, इट इज कॉल्ड आयोटा। अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज आयोटा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। यानी यहाँ पे अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स का मतलब क्या है भाई, एक्स की जो मेरे पास इस इक्वेशन से जो मेरे पास सोल्यूशन आएगा वो कितना है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, दैट इज द सोल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर केस, जिसमें आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर अगर माइनस वन है ना तो उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें यहां तक चीजें समझ में आई हैं बच्चों तो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड टू टेल कि हाँ यस यहाँ तक चीजें ठीक है एंड आई कैन प्रोसीड है, ठीक है, वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल, चलो लेट्स प्रोसीड है, देखो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें थोड़ी इंप्रूव होती जाएंगी, ठीक है। मैंने बिल्कुल जो मोस्ट बेसिक चीजें वहां से शुरू करा है। अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज क्या, मैंने एक और इक्वेशन लिया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस नाइन हो जाएगा। यानी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एज पर डैट व्हाट कैन आई से अबाउट एक्स, एक्स इज नथिंग बट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट, माइनस नाइन। अब ये जो माइनस नाइन है इसका क्या करें यार, माइनस वन तो ठीक था बट ये माइनस नाइन का क्या करें, तो कोई बात नहीं इसको ऐसे तुम समझो कि ये है क्या, ये तुम्हारे पास माइनस वन इंटू नाइन है, यही तो है, दिस इज नथिंग बट माइनस वन इंटू नाइन, ये सर नो, ठीक है। अब देखो ये माइनस वन के बारे में हमें आयोटा पता है और नाइन का जो अंडर रूट होता है ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, तो ये नाइन का जो अंडर रूट है चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं, कितना हो गया ये, थ्री।
और मेरे पास अंदर कितना रह गया, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अब तो काम हो गया ना, ये तो हमें अभी अभी पता लग चुका है, दिस इज द न्यू क्वांटिटी दैट वी हैव जस्ट लर्नड। व्हाट इज दैट? इट इज आयोटा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये इस तरह के जो इक्वेशंस हैं जो हम लोग पहले नहीं पढ़ पाते थे, राइट, जहां स्क्वायर होने पे कोई चीज नेगेटिव आ जाती थी, इन चीजों को पढ़ने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए, दैट वाज द नीड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आओ अब इसमें थोड़ा सा और अब लेवल इंप्रूव करते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। इनकेस अगर आ रही है बच्चों, तो यू कैन प्लीज यूज योर माइक और द चैट बॉक्स। ठीक है, वट एवर यू आर कंफर्टेबल, यू कैन सर्टेनली यूज दैट। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट गो फ्रॉम द क्लास विदाउट क्लियरिंग योर डाउट्स। ओके, प्लीज मेक श्योर दैट। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये ध्यान रखना, ये तुम्हें अभी से लेकर के और आगे तक मिलता रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, जरूर से लिख लेना इसको। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आज से दो तीन क्लास के बाद हम इसकी बात ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसको रूट्स के हिसाब से स्टडी करेंगे, बट आज से तीन क्लास के बाद हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, याद रखना इस बात को, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ कि इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमें एक बात तो बचपन से पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax + b + c इज इक्वल टू 0 है, तो इसके जो दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, इसके बारे में हम ये जानते हैं, इट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ट्वाइस ऑफ a। इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे इसके रूट्स की बात करूँ, तो b कितना है भाई, b मेरे पास 1 है, तो माइनस b कितना हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 1 माइनस 4ac। a कितना है 1, c कितना है 1, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, दैट इज व्हाट यू हैव। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा है माइनस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 में से 4 गया तो क्या बचा भाई, माइनस 3, राइट, दैट इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। ये जो वैल्यू है मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना, ये अभी आगे तीन क्लास के बाद तुम देखोगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, राइट, 11th में भी इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये जो वैल्यू है, ये 11th में भी इम्पॉर्टेंट है। इसको, ये एक्सप्रेशन जिसको याद हो जाता है ना, वो कुछ चीज़ों को बहुत आसानी से करते हैं, राइट। मेरी आदत है, अभी ये कोई भी टॉपिक जब मैं फिनिश करता हूँ तो उसके बाद मैं दो अलग से क्लास लेता हूँ, एक क्लास NDA लेवल की होती है और एक क्लास JEE लेवल की होती है, राइट, वंस द टॉपिक इज डन। तो ये सब चीज़ें तुम देखोगे हर लेवल पे तुम्हें मिलेंगी, ठीक है, इसको प्रॉपरली नोट कर लेना बच्चों। अब मैं यहाँ पे इसको क्या बोल सकता हूँ, माइनस वन तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो वो है जो हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ रखा है, राइट। प्लस माइनस, अब ये माइनस रूट थ्री, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा ना, हाँ पढ़ा, क्या कि ये रूट थ्री तो एज इट इज रहेगा, और माइनस अंडर रूट माइनस वन क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता लगती है कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनमें से एक रूट मेरे पास कितना है, द टू रूट्स, लाइक इफ आई कॉल वन ऑफ द रूट एज अल्फा, देन वन ऑफ द रूट इज माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ थ्री, रूट थ्री टाइम्स आयोटा अपॉन टू, दैट इज वन ऑफ द रूट, एंड द अदर रूट इज व्हाट, इट इज माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास दो रूट्स निकल के आते हैं, ठीक है। आई एम श्योर ये तुमने प्रॉपरली लिख लिया होगा, ठीक है, इस इक्वेशन को भी आपने जरूर से लिखा होगा और इसके ये दो रूट्स भी आपने लिखे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। और यहां तक अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो पूछो, इज इट ओके? यस सर। वंडरफुल, अर्पित एंड शिशिर, समझ में आ रहा है? यस सर, इट्स फाइन, राइट, दैट्स ओके, फाइन। देखो बेटा, इसमें मैं थोड़ी सी डिस्कशन और करूंगा, जो तुम्हारे 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा, ध्यान से देखना, राइट, आई एम क्रिएटिंग सम स्पेस ताकि मैं इसी पेज पे ही इसको यहाँ पे लिख सकूं। देखो, अब ये तुम्हारे पास अल्फा और बीटा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा ना अलग करके लिखता हूँ, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू आयोटा, और नीचे वाले को मैं लिखना चाहता हूँ माइनस वन बाई टू
माइनस रूट थ्री बाई टू इन टू आयोटा. आई होप यू डोंट माइंड. ठीक है, आई कैन क्लियरली राइट लाइक दैट, राइट? किसी भी फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना. नाउ वंस यू आर ओके विद दिस, राइट, एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हैं, तो अब यहाँ पे एक चीज समझने की बारी है. क्या? ये वाला पार्ट, ये वो है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो. इसको क्या बोलोगे? रियल पार्ट. दिस इज व्हाट, दिस इज योर रियल पार्ट. और वो जो आयोटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जिसको रूट थ्री बाई टू हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर तुम्हें वो डायग्राम याद है जो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिस्कस्ड वाज क्या, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है? रियल पार्ट भी होता है उसमें और इमेजिनरी पार्ट भी होता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो यहां से तुम इस बात को ज्यादा जस्टिफाई करके बोल सकते हो कि ये एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो तुमने पढ़ा. इससे पहले जो तुमने पढ़ा, ध्यान से देखो, ये क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है. इट इज थ्री आयोटा, राइट? ये भी जो तुमने पढ़ा, ये भी क्या है? ये भी तुम्हारे पास प्लस माइनस आयोटा, ये भी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है. बट ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने पढ़ा जिसमें तुम्हारे पास रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है. ठीक है, दिस दीज आर योर इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट तो दोनों में सेम है, बट जो इमेजिनरी पार्ट है वो डिफरेंट है. एक में रूट थ्री बाई टू है और दूसरे में मेरे पास क्या है? माइनस रूट थ्री बाई टू है. ठीक है, यहाँ पे आकर के आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, राइट? जैसे मैंने अभी तक जो तुम्हें बताया वो ये बताया कि नेचुरल नंबर n होते हैं, होल नंबर्स ये होते हैं, ये सब हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ रखा है, राइट? z से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को डिनोट करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो आप जनरली देखोगे, जनरली z से किसको डिनोट करते हैं पता है? z से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग हमेशा कैसा लेते हैं? कुछ ऐसा लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई, यानी उसका कुछ तो रियल पार्ट होगा और कुछ तो इमेजिनरी पार्ट होगा. रियल पार्ट क्या होगा बच्चों? x, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? y. अगर मैं इस अल्फा बीटा की बात करूं तो इसमें रियल पार्ट माइनस हाफ है, माइनस हाफ है. इमेजिनरी पार्ट एक में रूट थ्री बाई टू है, दूसरे में माइनस रूट थ्री बाई टू है. अगर मैं पीछे यहाँ पे इस इक्वेशन में बात करूं तो यहाँ पे मेरा रियल पार्ट कितना है? जीरो है. और इमेजिनरी पार्ट कितना है? एक बार थ्री है और एक बार माइनस थ्री है. समझ रहे हो ना? जीरो भी तुम्हारा रियल नंबर ही होता है, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट. तो यहाँ पे भी ये, इसको क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूँ? सर्टेनली बोल सकता हूँ बेटा. आपको पता है क्या कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं या जितने भी इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो सबके सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसको तुम्हें ध्यान रखना है. ये वैल्यूज भी ध्यान रखनी है, इसको स्टार लगा करके अलग से नोट कर लेना. ये तुम्हें अभी आगे कई बार मिलेगा. डबल स्टार लगा लो, ज्यादा बढ़िया है. ठीक है, रिमेंबर दीज वैल्यूज, रिमेंबर दीज वैल्यूज. ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बस अभी फिलहाल के लिए लिख लो हाईलाइट करके. आगे जब पढ़ोगे तो इसको मैं बताऊंगा. इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर स्कूल एज वेल एज यू नो आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आपको मिलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अभी इसमें तुम इसको दोबारा से, ये तुम्हें मिलेगा, इससे पाला अभी छूटा नहीं है. यू विल गेट इट अगेन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव. सर यूनिटी क्या हुआ? यूनिटी वन होता है बेटा. ओके, यूनिटी इज वन. ठीक है, देखिए अब ये फॉर वन ऑफ यू हु हैज जॉइंड अस टुडे, शिशिर वर्मा. शिशिर, इसमें क्या है कि ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखोगे कि मैं जो बुक यूज करता हूँ ये आर डी शर्मा यूज करता हूँ. ठीक है, तो और देखते हैं किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस हैं. आर डी शर्मा ही मैं रेफरेंस बुक यूज करता हूँ, बट यू कैन यूज एनी बुक, राइट? आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं यू कैन यूज. ठीक है, मैं फिलहाल आर डी शर्मा ही आपको कम्प्लीटली कराता हूँ. अब देखो करना शुरू करते हैं. लेट अस सी
हमारे पास ये एक्सरसाइज 13.1 है आरडी शर्मा में, और ये हमारे पास क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पहले तुम्हें इन क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ी सी तुम्हें एनालिसिस देता हूँ, राइट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर कभी भी अंडर रूट ऑफ माइनस वन आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, आयोटा स्क्वायर कर दूँ, आयोटा स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो ये तुम्हें पता है और ये तुम्हें ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्वायर करोगे तो भाई माइनस वन ही होगा ना। अगर मैं इसको क्यूब करूँ, क्यूब कितना आएगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, आयोटा क्यूब को मैं लिखना चाहूंगा आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, यस। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन होता है, और आयोटा तो आयोटा है भाई, यानी जो आयोटा क्यूब है, ध्यान से देखो इसकी वैल्यू तुम क्या बोल सकते हो बेटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू आप क्या बोल सकते हैं, इट इज माइनस आयोटा। ठीक है, दैट इज योर थर्ड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। वन थिंग कि भाई आयोटा की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, आयोटा इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन, दैट इज द डेफिनेशन, राइट, इसमें कुछ प्रूव करने का नहीं है, ये डेफिनेशन है, राइट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दैट इज अ फैक्ट, वी कैन नॉट प्रूव इट, ओके, ठीक है, वो हम रोज रोज ऑब्जर्व करके बोलते हैं कि हां दैट इज ईस्ट डायरेक्शन एंड द सन राइज फ्रॉम देयर। वैसे ही आयोटा स्क्वायर कितना है, ये माइनस वन है, आयोटा क्यूब कितना है, आयोटा क्यूब कुछ और नहीं है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन होता है, और आयोटा तो आयोटा होता है, मतलब आयोटा क्यूब कितना हो गया, इट इज माइनस इंटू आयोटा, विच इज माइनस आयोटा। ठीक है, अगर मैं आयोटा की पावर 4 की बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आई होप यू आर ओके विद दैट, दिस इज माइनस वन, राइट, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन, दिस इज ऑल्सो माइनस वन, यानी आयोटा इंटू माइनस वन कितना हो गया, तो यहां से तुम एक और कंक्लूजन ड्रॉ करते हो दैट आयोटा रेज टू द पावर 4 इज व्हाट, इट इज 1। ये चार चीजें अगर तुम्हें ध्यान रहती हैं तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत आसान है। आई होप तुमने ये चारों पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, यू कैन सिंपली रेज योर हैंड टू टेल मी दैट यस यू हैव नोटेड इट डाउन एंड देन आई कैन प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। डन अर्पित, ओके, वंडरफुल। देखो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि तुमने इसको नोट कर लिया, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ये चलो ये जो चार पॉइंट्स हैं इसको यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि अभी तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं इसको यहाँ पे कैरी कर लेता हूँ, राइट, आई कीप इट हियर, दिस आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। ठीक है, तीनों पॉइंट को जो हमने जो चार इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं उसको मैं यहाँ पे keep it here, okay, rest of the things I'm removing it, और अब हम लोग questions की तरफ move करते हैं, देखते हैं क्या questions हैं, कैसे करना है। First question से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना, ये दिया रखा है iota raised to the power 457। देखो एक चीज तो तुम मानोगे कि 1 से deal करना सबसे आसान होता है, क्यों, क्योंकि 1 की power जो मर्जी रख दो, 2 रख दो, 200 रख दो, 2000 रख दो, 20,000 रख दो, जो मर्जी रख दो, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर तो बन ही आता है। यानी जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसको देखना है कि वो आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करें, क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है। सो द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स योर माइंड इज टू कन्वर्ट इट इनटू आयोटा रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे मैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस यूज करूंगा जो तुमने छोटे क्लास में पढ़ी है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग भूल गए हों। a raised to the power b into a raised to the power c क्या होता है बेटा, a raised to the power b plus c होता है, और अगर आप a raised to the power b whole raised to the power c करेंगे ये क्या होता है बेटा, this a raised to the power b into c। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप अगर चाहें तो मैं तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं आपके लिए। अगर कभी 1 by a raised to the power b होता है तो इसका मतलब होता है a raised to the power minus b। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो अभी फिलहाल आपके काम की हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज भी हम लोग कर सकते हैं, बट ये बेसिक चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि
कि ये चीजें आपको आती होंगी, और अगर नहीं आती थी, आपके दिमाग से मिस हो गई थी, तो आपने जरूर से नोट कर लिया होगा। ठीक है, और अब हम लोग जो आयोटा के बारे में जानते हैं और जो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस जानते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस में। आयोटा की पावर 457 को मैं लिखना चाहूंगा कि आयोटा की पावर 4 और साथ में क्या, मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं बिकॉज पार्ट्स पता है मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 1 1 17 17 का मतलब 4, मेरे पास रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि इनटू आयोटा की पावर 1। मैंने ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, ध्यान से देखो 114 इनटू 4 कितना हो गया 456 और प्लस 1 राइट, तो कितना आ गया 457। तो आयोटा की पावर 4 मैंने करने से फायदा क्या हुआ, ये बन गया 1 की पावर 114, और वो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है। तो अब तुम्हें ये बोलने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आयोटा। ओके, सो द वेरी इजी क्वेश्चन वाज दैट, राइट। देखो क्विकली शो मी योर हैंड्स इफ दैट इज ओके, हैंड्स अप इफ दैट्स फाइन। ओके, वंडरफुल। देखो भाई फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और करके बताता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, फटाफट से 2-3 क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, कितना इजी है, आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत आसान लगेगा ये। 528 है, तो मेरी इंटेंशन क्या होगी कि आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करूँ, क्यों, बिकॉज वो 1 होता है इसलिए। तो 4 से इसको डिवाइड करता हूँ, कितना आ गया 1, और 12 से हो गया 3 और 2, बस और कुछ बचा ही नहीं, कमाल ही हो गया, है ना। 132 इंटू 4 कितना होता है, 528 होता है, एग्जैक्टली 528 होता है। तो ये तो आपको पता है कि 1 की पावर 132 या जो मर्जी हो, ये तो 1 ही रहेगा। 1 रेज़ टू द पावर एनीथिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। इसका आंसर हम लोगों ने शायद अभी आयोटा कैलकुलेट किया था, इसका आंसर हम लोगों ने 1 देखा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है और क्या इसमें हम लोग करेंगे। ओके, लेट अस सी। तो ये मेरे पास 1 है और नीचे आयोटा की पावर 58 है, इसका क्या करें यार। देखो मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है कि किसी भी तरीके से आयोटा की पावर 4 को यूज करें, लेकिन डिनोमिनेटर में है ये बड़ी टेंशन वाली बात है, है ना। ये डिनोमिनेटर में है तो ये बड़ी टेंशन वाली बात है। तो मैं क्या करूंगा, 1 जो ऊपर है ना, इसको मैं लिख लूंगा आयोटा की पावर 4, लिख सकता हूँ ना, ये सर नो, बिल्कुल सही। 1 तो हमारा आयोटा की पावर 4 है ही है, और 1 की पावर में जो मर्जी कर लूं। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि ये 58 कैंसिल हो, राइट, ये 58 कैंसिल हो, तो मैं इसकी 1 की पावर 15 कर दूंगा, राइट। 1 की पावर 15 इज व्हाट, इट इज 1 ओनली। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें मैथमेटिकली मिल गया आयोटा की पावर 15, 4 60, और नीचे तुम्हारे पास क्या है, आयोटा की पावर 58। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पावर्स क्या होती हैं, आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। आयोटा की पावर 60 माइनस 58, व्हाट इज दैट, दैट इज आयोटा स्क्वायर। एंड आयोटा स्क्वायर इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू नाउ, सर्टेनली द आंसर वुड बी व्हाट, माइनस 1। मेरी बात समझ में आई तो हाथ जरा ऊपर करके बताओ, रेज योर हैंड इफ इट इज ओके। मनन ठीक है, गुड। चलो देखो, तो ऐसे ही कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़े से ये सब बीच के इजी क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स से हम ये फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, या फिर हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं पहले, ये क्या है। आयोटा की पावर 41 और 1 अपॉन आयोटा की पावर 257 और इसकी होल पावर दे रखी है 9। अरे ये तो कमाल हो गया यार, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन पकड़ा दी इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट अस सी व्हाट कैन बी डन। तो सबसे पहले तो मैं इसको आयोटा की पावर 41 को ना अलग से देखना चाहता हूँ, और ये मुझे कैसा दिखता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मुझे दिखता है आयोटा की पावर 40 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 40 को मैं कैसे देखता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू 10, यानी ये कितना हो गया 1, बचा क्या आयोटा, यानी यहाँ से तो मुझे कितना मिला, यहाँ से तो मुझे मिला आयोटा। अब ऐसे ही इसका सेकेंड वाला जो टर्म है उसको भी जरा एनालाइज करके देखते हैं। तो जो सेकेंड टर्म है मेरे पास, ये है 1 ओवर आयोटा रेज टू द पावर 257। और अभी भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब कभी डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करो,
ऊपर वन बनाओ ना यार, वन बनाने की तो पूरी छूट है आपको। वो कैसे बनता है? आयोटा की पावर 4 से बनता है, और वन की पावर तुम जो मर्जी ले सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। तो मैं देखूंगा कि ये जो 257 है, ध्यान से देखना मैं कैसे देख रहा हूँ, ये जो 257 है इसको जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता क्या है, मैं ये चेक करूंगा। ये मेरे पास 6 आ रहा है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है 6 आ रहा है। ये 24 से गया, ये आपके पास 17 है, यानी 64 से ये मेरा रिमाइंडर 1 देता है। यानी अगर मैं इसकी पावर 65 कर दूं तो रिमाइंडर क्या देगा? 3 देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? कैसे मैंने देखा यहाँ पे क्या लेना है? तो इससे क्या फायदा हुआ, आपके पास मिल गया आयोटा रेज टू दी पावर 260, और नीचे क्या है आपके पास, आयोटा रेज टू दी पावर 257। सो दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, बचा क्या बेटा आपके पास, आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब अगेन दैट इज वेरी वेरी इजी, व्हाट इज दैट, दैट इज माइनस आयोटा। तो ये तुम्हारे पास आयोटा था, और दूसरा टर्म कितना आ गया तुम्हारे पास, माइनस आयोटा, होल पावर कितनी, 9। दिस इज गॉन, यू आर लेफ्ट विद 0 की पावर 9। 0 की पावर 9 कितनी होती है बेटा, इट इज 0। इस तरीके से तुमने इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर दिया। इफ इट इज ओके रेज योर हैंड, इफ दैट्स फाइन रेज योर हैंड फास्ट, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। अर्पित, मनन, शिशिर, सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। अच्छा, इज इट फाइन नाउ, अभी सही चल रहा है, आवाज आ रही है प्रॉपरली? ओके, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, मैं ये इरेज कर रहा हूं, और नेक्स्ट ये जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, सर पर कट कट कर आ रही है। अच्छा, तुम जब ना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, जब वेदर अच्छा नहीं होता है तो ब्रॉडबैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि अभी जो है थोड़ा सा इंटरनेट पे प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो अभी आई होप आपको क्लियरली सुन रहा होगा। ठीक है, आई विल मूव ऑन टू दिस सिक्स्थ क्वेश्चन, आइए देखते हैं कैसे करना है। राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन। सो दिस इज 77, आयोटा रेज टू द पावर 70, iota raised to the power 87, iota raised to the power 414, और ये मुझे कितना चाहिए, इसका whole cube चाहिए। तो certainly मैं इन सारे terms को कैसे देखता हूँ, मैं देखो मैं यहीं पे करके बताऊंगा जैसे तुम्हें school exam में करना है। ठीक है, iota की power 4 into, अब ये मुझे ध्यान रहना चाहिए, ये 76 कैसे बनेगा यार, 76 बनेगा 19 4 76 होता है। ठीक है, तो ये 76 हुआ, 77 चाहिए, यानी कि एक आयोटा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं इस 70 पे आऊंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, आयोटा की पावर 4, और 68 से समझ में आता है ना, 68 किससे मिलेगा मुझे, 17 4 68 मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, आयोटा स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर 87 पे आऊंगा, 87 क्या हो जाएगा भाई, आयोटा की पावर 4 और साथ में 84 कैसे आएगा, 21 से, और साथ में कितना है मेरे पास, आयोटा क्यूब। और 414 को कैसे देखूंगा, आयोटा की पावर 4 और 414, यानी कि मैंने डिवाइड किया, ये आ गया 1 और ये हो गया 0, और ये 14 है, इसका मतलब 3 से जाएगा, और फिर भी मेरे पास कितना बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर बच जाएगा, और इसकी होल पावर कितनी है, 3। अब इससे क्या फायदा हुआ, मुझे उम्मीद है तुम इस बात को समझते हो, क्योंकि ये बन गया 1, तुम्हारे पास बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे बचा सिर्फ आयोटा, ये भी बन गया 1, यहाँ क्या बचा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को बिना किसी टेंशन के मैं तो -1 लिखना चाहूंगा। ओके, सिमिलरली ये बन गया 1 और ये है आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को बिना किसी टेंशन के मैं माइनस आयोटा लिखना चाहूंगा, अगेन आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, -1। ये प्लस आयोटा और होल क्यूब नहीं भूलना है, ठीक है, प्लस आयोटा माइनस आयोटा इज गॉन, मेरे पास क्या आया, -2, और -2 का मुझे होल क्यूब करना है, जो करने में शायद
आप में से किसी को परेशानी नहीं आएगी, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी -8. इज इट ओके चिल्ड्रन? यू कैन रेज हैंड टू टेल मी यस इट इज ओके. यस सर. दैट्स फाइन. ठीक है शिशिर, तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड. आंसर्स आप मैच कर सकते हो, राइट, ठीक ही होगा इन सब में, कोई ऐसा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट, आंसर जो भी है हमने जो भी निकाला होगा आई एम श्योर ठीक ही होगा. ठीक है, आप देख लेना, राइट, यू कैन मैच दैट. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी. अब तुम्हारे सामने कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चन तो ओरली कर लोगे, राइट, मुझे ऐसा लगता है. बाकी देखते हैं, जैसे आओ एक डिस्कशन हो जाए. आयोटा की पावर 49, ये मुझे दिख रहा है आयोटा की पावर 4 × 12, यानी यहाँ पे बचेगा आयोटा. 68, ये दिख रहा है 4 की पावर, ये मतलब ये हो गया 1, जहाँ भी आयोटा की पावर 4 परफेक्ट बन गया वो तो गया. 88, ये बन रहा है आयोटा, ये कितना बन रहा है भाई, 4 का मल्टीपल देखना है, 108 यानी कि आयोटा स्क्वायर. बहुत बढ़िया, ये हो गया आयोटा, ये हो गया 1 और ये भी आयोटा, तो आयोटा आयोटा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो गया -1. बहुत बढ़िया, यानी इसका आंसर मैं बिना किसी टेंशन के बोल दूंगा, मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2 आयोटा, राइट. 8th क्वेश्चन का आंसर 2 आयोटा आना चाहिए, राइट, 8th क्वेश्चन का आंसर 2 आयोटा आना चाहिए. तो इस तरीके से अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीजें तुम्हें बहुत आसान लगेंगी. ठीक है, यू विल फाइंड देम वेरी इजी. इफ यू मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन दैट यू हैव, इसमें ये कह रहे हैं शो दैट दिस इज अ रियल नंबर. रियल नंबर मतलब क्या, कि उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर मुझे बोल रहे हैं कि ये मेरा एक रियल नंबर है, ये वाली चीज रियल नंबर सिर्फ तभी होती है व्हेन पी इज इक्वल टू 0. ठीक है, और ये वाली चीज इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल, और ये वाली चीज प्योरली इमेजिनरी तब होती है. बेटा ध्यान रखना ये सब, ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ ये तुम्हें क्वेश्चंस में एज इट इज मिलेंगे, ध्यान रखना. तो अगर कभी भी बोल रहे हैं प्योरली रियल, तो प्योरली रियल का मतलब कि अगर ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें ये बी वाला पार्ट 0 होगा तब ये प्योरली रियल है, और अगर प्योरली इमेजिनरी बोल रहे हैं तो उस केस में ए वाला पार्ट तुम्हारे पास 0 होगा. प्लीज नोट इट डाउन एंड प्लीज डू रिमेम्बर इट. ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको सर्टेनली ध्यान रखनी है. ठीक है, आइए, सो आई विल मूव ऑन विद दिस क्वेश्चन, विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन. मेरे पास क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30. इन्होंने बोला दैट दिस इज अ रियल नंबर दैट वी नीड टू प्रूव. ओके, देखते हैं क्या होगा. ये 1 तो 1 है, आयोटा की पावर 10 को हमने सीख रखा है कि 4 में कन्वर्ट करके देखना है, तो 4 में कन्वर्ट करना है तो 4 टू 8 और प्लस 2 10 हो गया. आयोटा की पावर 20 कैसे दिखती है, आयोटा की पावर 4 होल पावर 5. आयोटा की पावर 30 कैसे दिखती है, आयोटा की पावर 4 होल पावर 7 28, मतलब 2 और कम रह गया तो आयोटा स्क्वायर, राइट, 4 7 जा 28 प्लस 2 दैट इज 30. ओके, क्या फायदा हुआ, ये बना तुम्हारा 1 और ये आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर मुझे उम्मीद है तुम्हें ध्यान होगा ये -1 होता है. आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, 1 की पावर जो मर्जी रख लो 1 ही आएगा, राइट. आयोटा की पावर 4 ये चीज बन गई 1 × आयोटा स्क्वायर. आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1. ध्यान से देखो बेटा, 1 − 1 1 − 1, मतलब ये जो तुम्हारे पास नंबर दे रखा है ये क्या है, 0. अगर ये चीज 0 है तो क्या इसमें आयोटा वाला पार्ट यानी जो बी वाला पार्ट है, राइट, वो बी वाला पार्ट क्या हो गया, तुम्हारा 0 हो गया, राइट. मतलब अगर तुम इसको देखना चाहो तो क्या लिखोगे, 0 + 0 आयोटा. ठीक है, 0 इज व्हाट, 0 इज अ रियल नंबर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर बोलेंगे, या तुम्हें तो फिर अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर प्रूव करना था, तो इसमें कोई भी आयोटा का पार्ट नहीं है, हेंस विल से व्हाट, this is a real number. Is it okay? Show me your hands up if it is that, if that is fine. Show me your hands up if that is okay. Tishir, समझ में आ रहा है? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. देखो भाई, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस बार एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ. Try क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 का 4, 3 का 5 और 3 का 7. चार क्वेश्चन दिया है, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद ये चारों क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा. प्लीज ट्राई.
right? I'll go mute and I'll wait for the solution. As you people have done the previous questions, so I'm not giving you the solution, as I believe all of you have done and it must be easy for all of you. So I'll rather move on with the next exercise. First of all, I'll give you the basics. Isme kya keh rahe? Express the following in the form of standard form A plus iota B. मैंने तुम्हें क्या बताया था? X plus iota Y. ठीक है? X मैंने बोला था real part और Y बोला था imaginary part. यहाँ पे इन्होंने X की जगह पे A कर दिया और Y के जगह पे B कर दिया. कोई फर्क नहीं पड़ता. That is okay. यहाँ पे real part क्या है? A और imaginary part क्या है? B. ठीक है? इन्होंने बोला to express it in this form. ठीक है? और एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस तुम्हें सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है. ये 1 प्लस आयोटा है और ये आपका 1 प्लस 2 आयोटा है. अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो पहले 1 के साथ 1 प्लस 2 आयोटा को ओपन करोगे, राइट? और उसके बाद क्या करोगे? आयोटा के साथ 1 प्लस 2 आयोटा को ओपन करोगे. ध्यान से देखो कितना आ रहा है. दिस इज कमिंग आउट टू बी 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 आयोटा. आयोटा इनटू 1 इज व्हाट? दैट इज आयोटा. एंड दिस 2 आयोटा स्क्वायर, दिस 2 आयोटा स्क्वायर. 1 is 1, 2 iota plus iota is 3 iota, and this is nothing but minus 2. 1 minus 2, yani ki main kya bolunga? Minus 1. So, kya ye a plus iota b ke form ka ho gaya? Certainly ho gaya. A is equal to kitna? Minus 1. Or b is equal to kitna? Plus 3. Okay? So, that is how you could have done the first question. If it is okay, can you please show me your hands up? If that is fine. Okay. मनन एंड अर्पित, ठीक है? अर्पित समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, तो ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था जो सेकंड एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूव करके, राइट? आओ इसमें कुछ अलग सा क्वेश्चन देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट? लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर तुम देखो तो ये तुम्हारे पास दे रखा है 1 प्लस बल्कि 2 प्लस iota whole square. इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दो चीजें बताना चाहूंगा, राइट? वन इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा. सपोज करो तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, राइट? एक को बोलते हैं z1, दूसरे को बोलते हैं z2. z1 है आपके पास a1 plus b1 iota, ठीक है? और z2 है आपके पास a2 plus b2 iota, ठीक है? This is your what? These are your two complex number. अगर आपके पास ये condition आती है that z1 is equal to z2, तो इसका मतलब क्या आप समझेंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होते हैं अगर उनका रियल पार्ट इक्वल होता है. दैट मींस a1 इज इक्वल टू a2 एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होता है. दैट मींस b1 इज इक्वल टू b2. ठीक है, तो दैट इज समथिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक इज कंजुगेट. सपोज करो मैं z के कंजुगेट की बात करता हूं, तो कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कि अगर मैं z1 में ऐड कर दूं तो मेरा इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा. इमेजिनरी वाला पार्ट गायब हो जाएगा और रियल वाले पार्ट का डबल बन जाएगा. क्या मतलब है? यानी देखो z1 कंजुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? z1 के ऊपर ऐसे डंडा लगा दो तो ये बन गया इसका कंजुगेट. और क्या बोला मैंने? एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर आप ओरिजिनल में ऐड कर दें तो आपका रियल वाला पार्ट डबल हो जाएगा और इमेजिनरी वाला पार्ट गायब हो जाएगा. यानी इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? इट इज a1 माइनस b1 आयोटा. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं z2 का कॉम्प्लेक्स बोलता, z2 का कंजुगेट बोलता, तो मैं क्या बोलता? a2 माइनस b2 आयोटा. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे ये बातें जो आपने सीखी, मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख ली होगी. आओ अब इसको थर्ड क्वेश्चन में जरा अप्लाई करके देखते हैं कि जो हमने सीखा है ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट था, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे. दो बातें मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की. वन इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द अदर इज कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने अपने नोट्स में प्रॉपरली इसको लिख लिया होगा. ठीक
I'll get back to the question that we were discussing. Quickly, let's see. ठीक है, आज की क्लास के बाद एक्सरसाइज 13.2 के तुम फर्स्ट क्वेश्चन तो इंटायरली कर लोगे और सेकंड क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे, बिकॉज ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे है, कंजुगेट भी तुम आसानी से कर लोगे. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप करना शुरू कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह ट्राई करके देखना, हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब एक्सरसाइज 13.2 तक मेजरली आपको चीज़ें आती रहेंगी, 50% क्वेश्चन आप 13.2 का सर्टेनली कर लेंगे. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज दिस. मुझे इसे ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. राइट, मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, सिंपल स्क्वायर जो दे रखा है स्क्वायर कर लेता हूँ. तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन, प्लस 2ab यानी कि 4 आयोटा. यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 1/3 प्लस 4 आयोटा. कभी भी तुम्हारे पास नीचे अगर इस फॉर्म का आ जाए, तुम्हें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ध्यान रखना हमेशा आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो. यानी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 4 आयोटा से. और किसी भी फ्रैक्शन में अगर तुमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा सेम नंबर से, यानी कि 3 माइनस 4 आयोटा से. इससे क्या बेनिफिट हुआ, ऊपर तो तुम्हारे पास आ गया 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे क्या आ गया, राइट, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर तुम इस बात को परमानेंटली आज के बाद समझ लेना कि ये तो हो गया 9 और ये क्या बना, माइनस 16. माइनस का माइनस 16 कितना हो जाएगा, प्लस 16. दैट मींस व्हाट विल यू से अबाउट दिस आंसर, दिस इज नथिंग बट 3/9 और आई विल से बल्कि 25 हो जाएगा ना, 9 प्लस दिस, तो ये 3/25 माइनस 4/25 इनटू आयोटा. आर वी डन विद द जॉब, यस. तुम्हें बस यही तो करना था, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना था. इज इट ओके चिल्ड्रन, दोनों जगह मल्टीप्लाई किया ना, न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे, ये जो चीज बनी आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, होता है, यस सर. ए स्क्वायर तुम्हारे पास 3 आ गया और ये 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 16 होगा कि नहीं होगा, ओके सर. तो माइनस का माइनस 16 कितना हो गया, प्लस 16 हो गया ना बेटा, ओके सर. सो दैट इज हाउ इट इज डन. ओके, सो आई विल स्टॉप इट हियर, राइट, आई वोंट एक्सटेंड द क्लास एनी फर्दर और